अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाडा प्रोडक्शन वंस अगेन। सीन कुछ यूं के आज हम सारे फिर दोबारा दोस्त इकट्ठे हुए हैं। वीकेंड था, बाबर साहब बावलपुर से आते हैं, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि एक आधा मीटअप करें। मुगल साहब बड़े मेहरबान हैं, आजकल हम फिर हमें टाइम दे रहे हैं। इस भाई का हमें बड़ा दुख लगा हुआ है कि यार लास्ट टाइम हमें पता चला था इनके बाजू पे गोश वोश फटा, लेकिन एक्सरे करवाने के बाद पता चला कि हरकतें वैसे इसकी ऐसी है, इसको हम इग्नोर ही करते हैं वैसे ना। ये भी है। और मुबशर साहब इस टाइम चुप रहे हैं, वीडियो में भी नहीं आया था। लोग कह रहे थे मुबशर क्यों नहीं आया। यार मुबशर की बड़ी डिमांड है। मुबशर यार आजकल थोड़ा बीमार है, अल्लाह पाक इसको सेहत दे, इसको जन्नत में फिर दो सेहत याबी वाली जिंदगी में। यार हमारी काफी देर से बहस चल रही थी और आज फाइनल ये हुआ कि आज हमने खाने मुल्तान के गोलगप्पे। बहुत टाइम से नहीं खाए, एक लोकेशन पे मुगल के घर के पास है, छोटे गोलगप्पे मिलते हैं। वैसे सारी चीजें मुगल के घर के पास ही क्यों? क्योंकि मुगल नायाब है, क्योंकि मुगल नायाब है, जो दुकान है मुगल के घर की। हमारी बहस चलती रहेगी, अब हमारा प्लान ये गोलगप्पे खाने का। मुल्तान के गोलगप्पे बड़े मशहूर है और नॉर्मली मुल्तान में बड़े साइज के गोलगप्पे मिलते हैं, लेकिन एक जगह पे लोकेशन हमें पता चली है कि उसके साइज है बड़ा छोटा था, तो जाके ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। और उसका नाम है वन बाइट गोलगप्पा। वन बाइट गोलगप्पा जाके ट्राई करते हैं, एक ही बाइट के अंदर एक दफा ही खाओ और पूरा गोलगप्पा मुंह के अंदर। और ये पार्टी हमारी बाबर की तरफ से है। और हमारे मुगल साहब अंधेरे में पार्ट टाइम कुंग फू भी करते होते हैं, इसका भी हमें आज ही पता लगा। और इसकी तो क्या ही बात है, जनाब नवाब साहब हैदर साहब, ठीक है, हाथ इनका टूटा हुआ है आपके सामने ही है। डॉक्टर ने 3 महीने का रेस्ट दिया है, पर हरकतें इनकी है नहीं रेस्ट वाली। असल शुगल इस बात का है कि हम सारों में सबसे ज़्यादा मेच्योर ना बाबर को समझा जाता है, इसका फैसला हमने आप पे छोड़ा है। फिलहाल फोकस करते हैं गोलगप्पों की तरफ, क्योंकि भाई पहुंच गया आपका लोकेशन पे। खिलाते हैं गोलगप्पे, मेरा मतलब है खाते हैं गोलगप्पे हम और आपको दिखाते हैं। वैसे तो मुल्तान के गोलगप्पे बड़े मशहूर हैं, लेकिन वो साइज में ना बड़े बड़े हैं। सर ये इन छोटे गोलगप्पों का क्या राज है? मैंने पहले भी ट्राई किए हैं गोलगप्पे, तो आपके बड़े मजेदार हैं। ये तुसी जरा सबर करो मुबशर साहब, ये छोटे गोलगप्पों का क्या राज है वैसे? ओह हैवी भाई, कहते हैं ये ज्यादा खाए जाते हैं इसलिए। तुसी कुछ करो ना करो भाई। मजेदार स्पाइसी तो बहुत ही तो उधर स्पाइसी होंगे, इधर नॉर्मल ठीक है। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, ये भी बहना तो पीछे रह गया, वो तक जा सकता है। हाँ मुगल ठीक ना गोलगप्पे? यार मुझे इनका ना पानी बड़ा पसंद आया। यार मुझे भूख लगी थी लेकिन अब नहीं लगी। ये वो खट्टा नहीं है, है बड़ा वो क्या कहते हैं ना उसे हाजमे टाइप का। वो खा तो ले फिर पूछूंगा भाई। तुम्हारे में कैसी है गोलगप्पे? हमने पहले बनाई थी वीडियो मुगल साहब ने, उसको ना रिकॉर्ड नहीं किया, ये दोबारा बना रहे हैं। हमने पहले ये बात की थी पानी मुझे ज्यादा अच्छा लगा है, चाटी वाला कोई फैक्टर नहीं है, हाथ में दार जबरदस्त। यार खट्टा तो है नहीं, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है भाई। ये तेरे अपने शौक है, मैं तेनु कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गोल गप्पे कमाल तेरे भाई था बता रहे थे आप। और पैसे दसो जो सानू दसे समझ रहे हो ना तुम सारे, इन्होंने सानू सारिया चीजा दसिया। न्यू जनरेशन ना खत्ता की लामत नहीं है। मुगल मुगल ने जब से ये बात सुनी है ना मुगल पानी पिए जा रहा है बार बार। सर जी अपनी लोकेशन तो बताएं जरा। गुलशन मार्केट। गुलशन मार्केट में किस जगह पे? इंग्लिश शूज के बिल्कुल नीचे, अफजल इलेक्ट्रॉनिक, और ये फूड फेस्टिवल भी है यहाँ पे। हाँ भी मुगल मजा आया जबरदस्त भाई, शुक्रिया बाबर तेरा सानू इन्ने सारे गोलगप्पे खवा दे तू।
ठीक है सर जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन, फिर किसी व्लॉग पे। अल्लाह निगहबान। यार तेरे सामने गली दे चुप करके इधर ना चल जा। नहीं यार मुझे घर मुगल साहब आप उतर रहे हैं कि आपको मैं अपने घर ले जाऊं। दर्द है मुगल, जल्दी उतर जा यार, तू सुबह 4 बजे उठना ना। की गटर साफ करने आते और छोटी बोकर से मरगाड़ दे।